न्यू स्टूडेंट्स, आपकी रिक्वेस्ट में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। तो फर्स्ट, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो रिसेप्टर्स क्या हैं? ये वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो या तो आपकी किसी सेल के सरफेस में प्रेजेंट रहेंगे या फिर आपके क्या रहेंगे, इंट्रासेलुलरली यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है? ये सेल सिग्नलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, चाहे वो आपका एक्सोजेनस मॉलिक्यूल हो चाहे आपका एंडोजेनस मॉलिक्यूल हो। एक्सोजेनस मतलब वो मॉलिक्यूल जो कि आपने बाहर से लिया है, आपके बॉडी का कंपोनेंट नहीं है लेकिन आपने बाहर से उसे यूज किया है, लाइक आपकी सारी मेडिसिंस, ड्रग्स, कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? एक्सोजेनस मॉलिक्यूल। और एंडोजेनस क्या है? जो आपके बॉडी का ही कंपोनेंट है, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो आपके, ठीक है, वो आपके क्या है? एंडोजेनस है। तो अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड होता है तो तभी जाके क्या होगा, उनका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। आपने मेडिसिन ली, अगर आपको उसका इफेक्ट, आपको देखना है कि आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट आए, तो फर्स्ट जो भी ड्रग आपने ली है उसे किससे बाइंड होना होगा? अपने रिसेप्टर से, जो उसे कहाँ पे मिलेंगे, या तो वो उसके रिसेप्टर सेल के सरफेस में होंगे या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मैं यहीं पे वो एक आपका ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये आपका मान लीजिए सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब सेल में देखिए जो रिसेप्टर्स की लोकेशन है, मैंने अभी आपसे बोला कि या तो रिसेप्टर्स क्या होंगे, सेल के सरफेस में प्रेजेंट होंगे या फिर कहाँ हो सकते हैं, आपके इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर भी आपके रिसेप्टर्स हो सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो रिसेप्टर्स यहाँ पे है। अब क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल है, चाहे वो एंडोजेनस मॉलिक्यूल है चाहे एक्सोजेनस मॉलिक्यूल है, वो आएगा, अपने रिसेप्टर्स को ढूंढेगा, अपने रिसेप्टर्स सर्च कर रहा है। मान लीजिए ये वो लिगेंड है, ये आपका लिगेंड है, लिगेंड मतलब जो आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, चाहे एंडो हो चाहे एक्सोजेनस हो। तो ये लिगेंड आया, अपने रिसेप्टर्स को ढूंढ रहा है, जैसे ही इसे अपने रिसेप्टर मिलेंगे, मान लीजिए इसका रिसेप्टर सेल के सरफेस में है, सेल के अंदर नहीं है, सेल के सरफेस में है, गया अपने रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, ये देखो ये बाइंडिंग इसने शो की, जैसे ही ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड हुआ वैसे ही आपका रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब रिसेप्टर्स क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल के रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है, यानी कि सेल सिग्नलिंग के लिए जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो फाइनली आपको इफेक्ट कहाँ चाहिए, सेलुलर लेवल पे चाहिए, क्योंकि आप जानते हो ना सेल से ही टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज देन क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम, और फिर जाके आपका एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो आप चाहते हो इफेक्ट सेलुलर लेवल पे आए, तो ये वही सेल है, वहीं पे जाके मॉलिक्यूल बाइंड हुआ अपने रिसेप्टर्स से और इफेक्ट दिखाया। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि आपके रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ये क्या था आपका रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या है आपका लिगेंड, लिगेंड वो मॉलिक्यूल जो कि रिसेप्टर से बाइंड होके अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका क्या, रिसेप्टर के बारे में आपको पता चल गया, लिगेंड आपको समझ में आता है। अब देखिए जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज आई, ठीक है, वो थ्योरी क्या है वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, जो ये लिगेंड जो रिसेप्टर से बाइंड होते हैं ना, ये दो तरीके से बाइंड हो सकते हैं। पहली बाइंडिंग होती है रिवर्सिबल, और दूसरी बाइंडिंग क्या है, इरिवर्सिबल, ठीक है। दोनों बाइंडिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि जो ये बाइंडिंग हो रही है रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है? मोस्टली जो ड्रग होती हैं वो किस तरह की बाइंडिंग शो करती हैं, रिवर्सिबल, यानी कि अगर ये मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ है, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद ये यहां से हट भी जाएगा, ठीक है, रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसके साथ बाइंडेड रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद वहां से हट जाएगा,
तो वो बाइंडिंग क्या है आपकी, इरिवर्सिबल बाइंडिंग है। तो मोस्टली जितनी भी मेडिसिन हम यूज करते हैं वो कैसी बाइंडिंग शो करती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग शो करती है, और रिमेनिंग आपकी बहुत कम होती है। लाइक अगर मैं बात करती हूँ जैसे बहुत टाइप के पॉइजन आते हैं आपके, जो आपके नर्व गैस वगैरह आती हैं, वो इरिवर्सिबल बाइंडिंग शो करती है, यानी कि एक बार अगर रिसेप्टर से बाइंड हो गई तो फिर उसके बाद उसे नहीं छोड़ती। लास्ट में एंड यही होगा कि ये रिसेप्टर भी खत्म होगा और वो ड्रग भी खत्म होगी, क्योंकि आपका रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन होता है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो दो टाइप की बाइंडिंग है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो ज्यादातर ड्रग कौन सी बाइंडिंग शो करती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग शो करती है। क्लियर है? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है थ्योरीज। अब क्या है, जो आपके रिसेप्टर से रिलेटेड देखिए डिफरेंट थ्योरीज आई, तो उसमें से मैं सबसे पहली थ्योरी बता रही हूं आपको। सबसे पहली थ्योरी है ऑक्यूपेशन थ्योरी, ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हो, ऑक्यूपेंसी भी बोल सकते हो थ्योरी। ठीक है, तो देखिए ऑक्यूपेशन या ऑक्यूपेंसी थ्योरी है क्या। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि जितना ज्यादा आपका रिसेप्टर से ड्रग बाइंड होगी, ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई होंगे, यानी कि आपके अगर भाई ये सेल है, सेल में मैंने एक रिसेप्टर यहां पे बनाया हुआ है, एक मैं और ड्रॉ कर देती हूं, इस तरीके से मैंने आपके रिसेप्टर ड्रॉ कर दिए, ठीक है, सेल सर्फेस में प्रेजेंट रिसेप्टर है। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि अगर इन चार रिसेप्टर में से चार के चार ऑक्यूपाई हो जाएंगे बाय लिगेंड, तो इसका मतलब इफेक्ट भी क्या आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पे भी बाइंड हुआ लिगेंड, यहां पे भी बाइंड हुआ, यहां पे भी बाइंड हुआ। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि जो आपके ये लिगेंड है अगर सारे के सारे रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे तो रेस्पॉन्स भी क्या आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा। तो ये पहली थ्योरी थी जो थी ऑक्यूपेशन थ्योरी, बट ये थ्योरी आपकी डिसअप्रूव हो गई। क्यों? क्योंकि देखा गया कि ऑक्यूपेशन ज्यादा होने की वजह से अगर आपके रिसेप्टर सारे के सारे ऑक्यूपाई हो भी गए थे तो रेस्पॉन्स ज्यादा नहीं आया। ठीक है, जो आपके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए उनसे प्रूफ हुआ कि अगर सारे के सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो भी गए तब भी आपका रेस्पॉन्स उतना नहीं आया, तो ये थ्योरी डिसअप्रूव हो गई थी, इतना ज्यादा इसे इफेक्टिव नहीं माना जाता है। फिर आपकी क्या आई, सेकेंड थ्योरी आई। सेकेंड थ्योरी जो थी वो है रेट थ्योरी। अब ये रेट थ्योरी क्या कहती है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो रेट थ्योरी ने क्या बोला, रेट थ्योरी ये कहती है कि जो आपका ड्रग का रेस्पॉन्स होता है वो रेट ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ एसोसिएशन पे बेस्ड होता है, यानी कि जितना रेट के साथ, रेट मतलब सब समझते हैं टाइम के साथ, है ना, टाइम अगर मैं बात कर रही हूं वन मिनट का हम ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनट में इन रिसेप्टर्स की जितने बार बाइंडिंग होगी, यानी कि क्या होता है, देखो एक मॉलिक्यूल आया रिसेप्टर से बाइंड हुआ, इफेक्ट आया होगा, फिर ये मॉलिक्यूल यहां से हट गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला था, मोस्टली जो ड्रग होती है वो रिवर्सिबल बाइंडिंग शो करती हैं। तो मॉलिक्यूल आया रिसेप्टर से बाइंड हुआ, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया सेल में और यहां से खुद हट गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ये यहां से हट गया, अब दोबारा नया मॉलिक्यूल आया, वो वापस से बाइंड हुआ रिसेप्टर के साथ, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया, फिर हट गया यहां से, और फिर नेक्स्ट आपका एक और मॉलिक्यूल आया, बाइंड हुआ, इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से जितने बार आपका एक मिनट के इंटरवल में बाइंडिंग हुई वो क्या है, रेट है। मैंने कभी एक मिनट का एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप कितना भी टाइम ले सकते हो। तो यानी कि इसने क्या बोला, रेट थ्योरी ने क्या कहा कि जो रेस्पॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, कि जितने बार आपके लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड होंगे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, जितने बार उनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन मतलब एड होना, बाइंड होना, डिसोसिएशन मतलब हटना, उतना ही ज्यादा रेस्पॉन्स आएगा। तो रेट थ्योरी ये सीधे सीधे बता रही है कि सारी चीजें रेट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन पे डिपेंड करती है, और मेनली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काम करेगी। इसमें पहले वाले के हिसाब से क्या था, ऑक्यूपेंसी पे बेस्ड था कि रिसेप्टर ऑक्यूपाई हुए या नहीं हुए। इसने ये बोला कि रिसेप्टर ऑक्यूपाई होना ही इनफ नहीं है, अब हमें ये भी देखना है कि रिसेप्टर एक पर्टिकुलर टाइम में कितने बार ऑक्यूपाई हुए हैं। एक बार ऑक्यूपाई हुए होंगे ऑब्वियसली उसमें एसोसिएशन हुआ होगा, फिर वो हटे होंगे, फिर दोबारा नए आए होंगे, तो वो है आपकी रेट थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा
जो आपकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब जो जानने वाले हैं वो ये है कि जो ड्रग है किसी भी रिसेप्टर से बाइंड होता है और रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, ये हमें समझ में आ गया। तो दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे जान लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वन इज एफिनिटी और सेकेंड वन इज इफिकेसी। ठीक है, इफिकेसी को हम एक ऑल्टरनेटिव टर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं, वो है इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक एक्टिविटी। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिनिटी एंड इफिकेसी? एफिनिटी मींस द बाइंडिंग एबिलिटी, यानी कि जो लीगेंट की रिसेप्टर से बाइंड होने की जो एबिलिटी है वो क्या है, एफिनिटी है। और बाइंड होने के बाद जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है वो क्या है, इफिकेसी है या फिर इंट्रेंसिक एक्टिविटी है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आता है। बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनमें खाली एफिनिटी होती है, इफिकेसी होती नहीं है, तो फायदा क्या है ऐसी मेडिसिन का? ठीक है, आपको अगर कोई भी लीगेंड, आप कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, क्योंकि एंडोजेनस की हम बात नहीं कर रहे हैं, एंडोजेनस तो बॉडी के अंदर ही है, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर एक्सोजेनस यानी कि अगर आप कोई मेडिसिन बना रहे हैं और तो उसमें दोनों का होना जरूरी है, एफिनिटी एज वेल एज इफिकेसी। ठीक है, आप ऐसा बोलेंगे कि खाली एफिनिटी है तो आपका काम नहीं चलेगा, एगोनिस्टिक इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, एंटागोनिस्टिक जरूर आएगा, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ। तो ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए, एफिनिटी बाइंडिंग एबिलिटी, इफिकेसी क्या है, इफिकेसी क्या है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है उसको आप क्या बोलते हैं, इफिकेसी बोलते हैं। तो ये तो थी आपकी थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। इसके बाद देखो एक और आपका, आप थ्योरी बोल लीजिए, आपका मॉडल आया था जिसे हम थर्ड नंबर पे मैं उसे लिखूंगी, टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल। अब ये मॉडल समझ लेते हैं। ठीक है, इस मॉडल के हिसाब से क्या था, जब ये मॉडल आया तो इसका कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन रही होगी, कुछ ना कुछ इन्होंने यहां से इन्फ्रेंस निकाले होंगे, तो वही हम समझने की कोशिश करते हैं। टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल यानी कि ये क्या है, ये मॉडल ये बोलता है कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो दो स्टेट में रहते हैं हमेशा। क्लियर है, एक होती है रिसेप्टर की एक्टिव स्टेट, एक होती है रिसेप्टर की इनएक्टिव स्टेट। ठीक, और ये दोनों जो स्टेट होती है ये हमेशा क्या रहती है, एक इक्विलिब्रियम में रहती है, यानी कि एक्टिव स्टेट में जितने हैं और इनएक्टिव स्टेट में है बराबर रहेंगे, कुछ रिसेप्टर ऐसे होंगे जो एक्टिव रहेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इनएक्टिव रहेंगे। इतना क्लियर है। अब इसने क्या बोला कि आपकी जो ड्रग होती है ना, जो ड्रग की एबिलिटी होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद एगोनिस्ट, ठीक है, डिफरेंट क्लास की आपकी ड्रग होती है। फर्स्ट मैं बात करती हूँ एगोनिस्ट की, तो क्या होता है, देखो जो एगोनिस्ट होते हैं ना, एगोनिस्ट, आप कोई भी मेडिसिन ले लो जो कि एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट कौन सी मेडिसिन होगी, जो आपके जो बॉडी के अंदर जो एंडोजेनस आपके मॉलिक्यूल हैं उनके इफेक्ट, उनका जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, उनके इफेक्ट को मिमिक करेगी। एग्जांपल ले रही हूं मैं, लाइक एसिटाइल कोलीन है, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलीन है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि आपकी बॉडी में आपके न्यूरॉन से एसिटाइल कोलीन का रिलीज कम हो जाए या एसिटाइल कोलीन का डिग्रेडेशन हो जाए, एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेस की वजह से, किसी भी वजह से एसिटाइल कोलीन का लेवल कम हो गया है और एसिटाइल कोलीन को जो काम करना है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है मेडिसिन। आप बाहर से कोई ऐसी मेडिसिन दोगे ना जो एसिटाइल कोलीन की तरह काम करती हो, तो वो मेडिसिन है मान लीजिए पिलोकार्पिन। ठीक है, पिलोकार्पिन एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी आई पे, स्पेसिफिकली आपकी आईज पे आपका क्या करती है, एसिटाइल कोलीन का जैसा ही इफेक्ट देती है। तो ऐसी मेडिसिन को क्या बोलते हैं हम, एगोनिस्ट, जो कि एंडोजेनस मॉलिक्यूल का जैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो देखो एगोनिस्ट जो मेडिसिन होती हैं वो कैसी होती हैं, ये क्या करती हैं, आपकी रिसेप्टर की एक्टिव स्टेट से बाइंड हो जाती हैं। क्या होती हैं, रिसेप्टर की एक्टिव स्टेट से बाइंड हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूं, मान लीजिए ये आपका रिसेप्टर की एक्टिव स्टेट है और ये आपके रिसेप्टर की इनएक्टिव स्टेट है। ठीक है, ये क्या है आपका, आर ए है, ये आर आई है। अब क्या होगा, ये एगोनिस्ट आया और एगोनिस्ट क्या करेगा, ये एगोनिस्ट है मान लीजिए, मैं बॉक्स में बना देती हूँ इसे, ये एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट आया रिसेप्टर की एक्टिव स्टेट पे बाइंड हो गया, तो अब हुआ क्या, देखो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया है।
क्यों? क्योंकि जो रिसेप्टर हमेशा जो एक्टिव में रहते थे, अभी क्या थे? दोनों खाली थे। अभी शुरुआत में मैंने क्या बोला था, एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट के रिसेप्टर थे, अभी कोई एगोनिस्ट बाइंड नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही एगोनिस्ट इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ, तो क्या हुआ, जो एक्टिव स्टेट में रिसेप्टर थे और अनऑक्यूपाइड थे, उनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि देखो ये दो पार्ट्स में बट गए ना, कुछ आपके ऐसे रह गए होंगे, देखो कुछ रिसेप्टर जो एक्टिव थे वो खाली रह गए और कुछ क्या हो गए, बाइंड हो गए। तो हुआ क्या, ये इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में था, अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर के बीच में था, ठीक है। तो होगा क्या, अब जो है जो रिसेप्टर एक्टिवेटेड और वो भी अनऑक्यूपाइड है, उनका लेवल क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उनके साथ एगोनिस्ट बाइंड हुआ था। लेकिन जो इनएक्टिव थे उन पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि एगोनिस्ट उनके साथ बाइंड हुए नहीं। तो ये आपके क्या रहे, इसको मैं बोल सकती हूँ ये अनअफेक्टेड रहे, यानी कि इनका लेवल ज्यादा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि हमने बोला कि इक्विलिब्रियम तो हमेशा मेंटेन रहता है। तो अब क्या होगा कि जो इनएक्टिव स्टेट में रिसेप्टर हैं वो कुछ किस में बदल जाएंगे, एक्टिव स्टेट में, ताकि दोनों के बीच में बैलेंस बन जाए। समझ में आ रहा है आपके, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, रिसेप्टर की दो स्टेट होती हैं, एक्टिव और इनएक्टिव, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहता है। और ये अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं, जिनमें अभी कोई भी एगोनिस्ट बाइंड नहीं हुआ है या एंटागोनिस्ट बाइंड नहीं हुआ है। अब हुआ क्या कि जब हमने एगोनिस्ट दी, एगोनिस्ट कौन सी मेडिसिन होती है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। जैसे ही एगोनिस्ट जाएगी, एगोनिस्ट की खासियत होती है वो कौन सी साइट पे बाइंड होती है, रिसेप्टर की कौन सी स्टेट पे बाइंड होती है, एक्टिव स्टेट पे, ठीक है। एगोनिस्ट गए, एक्टिव स्टेट को ऑक्यूपाई किया, लेकिन सारी एक्टिव स्टेट तो ऑक्यूपाई हुई नहीं होंगी, कुछ ऑक्यूपाई हुई कुछ अनऑक्यूपाइड रही। अब दोबारा आप इक्विलिब्रियम को चेक करो, जो अनऑक्यूपाइड आपका एक्टिव स्टेट है और अनऑक्यूपाइड इनएक्टिव स्टेट है, दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम बिगड़ गया या नहीं बिगड़ा, क्योंकि इनमें से तो कुछ आपके क्या हुए, एगोनिस्ट से बाइंड कर गए। तो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो इनएक्टिव रिसेप्टर है वो किस में बदल जाएंगे, एक्टिव में बदल जाएंगे। और आप जानते हो कि जो इफेक्ट आता है वो केवल किसकी वजह से आता है, एक्टिव रिसेप्टर की वजह से आता है। तो नंबर ऑफ एक्टिव रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, आपकी एक्टिव स्टेट ऑफ रिसेप्टर आपकी बढ़ जाएंगी और रेस्पॉन्स भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से एगोनिस्ट काम करते हैं। तो मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे कि टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल क्या है। आप देखिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये तो केस था किसका, जब हम एगोनिस्ट की बात करते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सेम एंडोजेनस मॉलिक्यूल का जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, यहीं पे मैं इसे यहां से हटा देती हूँ। अब बात कर रहे हैं हम एंटागोनिस्ट की, ठीक है, एंटागोनिस्ट। अब ये एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट वो मॉलिक्यूल है जो खुद में इनके अंदर कोई एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन ये एक काम जरूर करते हैं कि ये एगोनिस्ट को क्या करते हैं, एगोनिस्ट का जो इफेक्ट है उसे खत्म कर देते हैं। लाइक अभी हमने एसिटाइल कोलीन का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो अब एसिटाइल कोलीन के इफेक्ट को अगर मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि एसिटाइल कोलीन का बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि उसका रेस्पॉन्स कम हो जाए, या फिर कभी कभी एक्सीडेंटली भी ऐसा हो जाता है, जैसे आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, ट्रोपेन एल्कलॉइड की कैटेगरी में आता है ये। तो एट्रोपा बेलाडोना को जो प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, आपका एट्रोपीन प्रेजेंट होता है, क्या होता है प्रेजेंट, एट्रोपीन। और ये एट्रोपीन क्या करता है, आपके बॉडी में जो आपके न्यूरॉन्स में एसिटाइल कोलीन है, जो आपके न्यूरोनल जंक्शन में एसिटाइल कोलीन प्रेजेंट है, उसको, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो जस्ट उसका क्या हुआ, ये एंटागोनिस्ट। समझ में आ रहा है, जैसे पिलोकार्पिन क्या था, एगोनिस्ट था, क्योंकि वो उसी का जैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था, बट एट्रोपीन क्या कर रहा है, आपका एंटागोनिस्ट है, क्योंकि वो उसके रिस्पॉन्स को क्या कर रहा है, खत्म करने का काम कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, देखो जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो कौन सी स्टेट पे बाइंड होते हैं, वो रिसेप्टर की कौन सी स्टेट से बाइंड होते हैं, इनएक्टिव स्टेट से बाइंड होते हैं। अब सेम वही होगा, जैसे इनएक्टिव स्टेट से बाइंड होंगे, मैं ये यहाँ पे इसे इनएक्टिव कर देती हूँ और ये एक्टिव रह गया, तो देखो क्या हुआ। अब देखो क्या हुआ, एंटागोनिस्ट गया, इसने क्या किया, रिसेप्टर की इनएक्टिव स्टेट से बाइंड हुआ, इनएक्टिव स्टेट से बाइंड हुआ तो क्या हुआ होगा, कुछ रिसेप्टर जो इनएक्टिव स्टेट में थे वो ऑक्यूपाई हो गए, कुछ क्या रह गए, बच गए।
अब बचे हुए और जो आपके एक्टिव स्टेट के बीच का इक्विलिब्रियम आपका क्या हुआ, बिगड़ गया, क्योंकि आपको पता है कि जो इनएक्टिव स्टेट में जो रिसेप्टर है वो क्या हो चुके हैं, आप कम हो चुके हैं, अनऑक्यूपाइड की मैं बात कर रही हूँ, और जो आपके ये हैं ये तो पहले से ही इतने ही हैं, तो इसे मैं अप एरो से ही दिखाऊंगी कि ये अभी भी ज्यादा है, क्योंकि एक्टिव स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एंटागनिस्ट एक्टिव स्टेट पे बाइंड हुए ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम बिगड़ चुका है, जो एक्टिव स्टेट में रिसेप्टर है वो ज्यादा है, इनएक्टिव स्टेट में जो रिसेप्टर है वो कम हो चुके हैं, तो इस इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए जो एक्टिव रिसेप्टर है वो किस में बदल जाएंगे, इनएक्टिव में बदल जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्टिव इनएक्टिव में बदल रहे हैं, क्या होगा, इनएक्टिव रिसेप्टर ज्यादा बढ़ जाएंगे, इनएक्टिव की वजह से क्या कोई रिस्पॉन्स आता है, नहीं आता है, इसीलिए एंटागनिस्ट किसी भी रिस्पॉन्स को नहीं आने देते हैं। रीजन पता चल गया ना, मेन बात दिमाग में रखो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए एक्टिव और इनएक्टिव के बीच का। अब इसने क्या किया, इनएक्टिव से बाइंड हो गया, इनएक्टिव को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कुछ इनएक्टिव जो कि ऑक्यूपाइड थे, कुछ अनऑक्यूपाइड थे, और हमें मतलब किससे है, अनऑक्यूपाइड से, जो ऑक्यूपाई हो गए उन्हें साइड रखो। अब इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम बिगड़ चुका है, क्योंकि जो अनऑक्यूपाइड आपके इनएक्टिव है वो कम हो चुके हैं और ये तो इतने के इतने ही हैं, तो इन दोनों के बीच का बैलेंस बनाने के लिए एक्टिव भी किस में बदल जाएंगे, इनएक्टिव में। और आप सोचिए ऐसा करते करते सारे एक्टिव स्टेट के रिसेप्टर इनएक्टिव में बदल जाएंगे और होगा क्या, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जो एसिटाइलकोलीन की वजह से रिस्पॉन्स आता था, एट्रोपीन ने क्या किया, उस रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर दिया। क्लियर है एंटागनिस्ट कैसे काम करते हैं, ये समझ में आया। देन आपका आता है थर्ड जो है वो क्या है आपका, पार्शियल एगोनिस्ट। थर्ड जो कैटेगरी है ड्रग्स की वो है पार्शियल एगोनिस्ट। अब पार्शियल मतलब क्या होते हैं, ये वो ड्रग हैं जो क्या करती हैं, पार्शियल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी कि इनमें से क्या होता है, 75% जो है ये किससे बाइंड होती है, एक्टिव स्टेट से बाइंड होती है। पार्शियल एगोनिस्ट जो भी मेडिसिन होंगी वो क्या करेंगी, 75% तो एक्टिव स्टेट से बाइंड होंगी और रिमेनिंग जो 25% है वो किससे बाइंड होगा, इनएक्टिव स्टेट से। ठीक हो गया, देखो अभी तक क्या होता है, या तो एक्टिव से बाइंड होता है या इनएक्टिव से बाइंड होता है, लेकिन पार्शियल जो होते हैं ये क्या होते हैं, पार्शियल होते हैं, यानी कि 75% जो है इसका अमाउंट वो एक्टिव स्टेट से बाइंड होगा और 25% इनएक्टिव स्टेट से बाइंड होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी दिमाग लगाओ आप कि एक्टिव स्टेट से 75% बाइंड हुआ है, यानी कि किसकी साइड इक्विलिब्रियम जाना चाहिए, कौन से रिसेप्टर का अमाउंट ज्यादा कम हुआ होगा, एक्टिव का ही हुआ होगा ऑब्वियसली। अगर एक्टिव आपके ऑक्यूपाई हुए हैं, मान लो ये आपका एक्टिव था आर ए, ठीक है, मैं आई को अभी भूल गई, ये है आपका, ठीक है, आया पार्शियल एगोनिस्ट और इसने क्या किया, एक्टिव स्टेट से बाइंड हो गया ये, ठीक है, कितना परसेंट हुआ है, 75%, क्योंकि अभी हम केवल इसी को देख रहे हैं, तो 75% इससे बाइंड हुआ है, यानी कि जो अनऑक्यूपाइड जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर है उनका लेवल क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ऑक्यूपाई आपके क्या हुए हैं, ज्यादा हो गए, 75% तो ऑक्यूपाई हो गए, अब जो बचा कुचा है यानी कि इसका लेवल आप कह सकते हो कि कम रहेगा। ठीक है, अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर कम हो गए, सेम इनके साथ भी हुआ होगा, ठीक है, लेकिन ये कितना बाइंड हुआ है बेटा, यहाँ पे कितना है, केवल 25% जो है वो इनएक्टिव से बाइंड हुआ है, तो दोनों को अगर तुम कंपेयर भी करोगे तो कौन से रिसेप्टर्स का नंबर कम हुआ है, कौन से रिसेप्टर्स का अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर का नंबर कम हुआ है, तो आर ए एक्टिव स्टेट के जो रिसेप्टर है अनऑक्यूपाइड उनका ही नंबर कम हुआ है, इसीलिए जो इक्विलिब्रियम है वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा आपका, आप बोलेंगे जो इनएक्टिव है वो किस में बदलेंगे, आपके एक्टिव में बदलेंगे, लेकिन एक लिमिट तक ही बदलेंगे, सारे के सारे नहीं बदलेंगे, क्योंकि 25% ये भी क्या हुए हैं, आपके कम हुए हैं। ठीक है, तो पार्शियल का मतलब सिंपल यही मान के चलो कि 75% ये एक्टिव से बाइंड हुए हैं, 25% इनएक्टिव से बाइंड हुए हैं, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर करके देखो तो एक्टिव से ज्यादा बाइंड हुए हैं, तो यानी कि अनऑक्यूपाइड एक्टिव रिसेप्टर का नंबर क्या हो गया, क्या हुआ, कम हो गया है, इसीलिए जो इनएक्टिव है वो किस में बदलेंगे, एक्टिव में, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, पूरे के पूरे नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 25% इनसे भी बाइंडिंग हुई है और इनका नंबर भी कम हुआ है, तो उसे कौन बैलेंस करेगा।
ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है आपका पार्शियल एगोनिस्ट है। ठीक है, इसके बाद जो आपका मेन आपका एक और आता है वो मैं थोड़ा अलग से आपको बताऊंगी, वो है आपका इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, ये आपका फोर्थ टाइप है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, देखो ये मैं अलग से इसलिए करा रही हूं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट इनका मैकेनिज्म है। इनवर्स एगोनिस्ट भी एक्टिव साइट से ही बाइंड होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइंड ये क्या होंगे एक्टिव साइट से होंगे, लेकिन एक्टिव साइट पे बाइंड होने के बाद ये जो अभी तक हो रहा था ना कि इनएक्टिव एक्टिव में बदल रहे थे वो नहीं होगा, अब एक्टिव इनएक्टिव में बदल जाएंगे। अभी तक जो हुआ था एगोनिस्ट के केस में क्या हुआ था, दो आपके रिसेप्टर की स्टेट थी, ये आपकी पहली स्टेट, ये आपकी दूसरी स्टेट, मान लो ये है आर ए और ये है आर आई। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेंगे, देखो इनवर्स एगोनिस्ट आए एक्टिव स्टेट से बाइंड हुए, तो अब क्या हुआ होगा, एक्टिव स्टेट से ये बाइंड हुए होंगे तो क्या होगा, अनऑक्यूपाइड जो एक्टिव स्टेट पे रिसेप्टर है उनका लेवल क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, और ये तो ऑलरेडी उतने हैं ही हैं। एगोनिस्ट के केस में क्या हो रहा था, ये कम हो गया था ये ज्यादा हो गया, तो बैलेंस करने के लिए इनएक्टिव एक्टिव हो रहे थे ना, लेकिन इनवर्स एगोनिस्ट जस्ट उल्टा करते हैं, जो ये अभी आपके अनऑक्यूपाइड आपको दिख रहे हैं ना इन्हें भी ये क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। इस पे ऑक्यूपाई करने के बाद इनवर्स एगोनिस्ट जैसे ही इन रिसेप्टर से बाइंड होगा इनको भी क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। ये करता है इनवर्स एगोनिस्ट, है एगोनिस्ट लेकिन काम क्या कर रहा है, इनवर्स यानी कि उल्टा काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये आपकी जो है ये इनवर्स एगोनिस्ट की स्पेशलिटी है। इनवर्स एगोनिस्ट को थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से भी आपको समझाना चाहूंगी कि आपके देखो बॉडी में जितने भी आपके सेलुलर लेवल पे जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि सारे हमेशा इनएक्टिव रहते हैं, आपने अभी देखा कुछ एक्टिव होते हैं कुछ इनएक्टिव होते हैं। एगोनिस्ट की एब्सेंस में भी ऐसा नहीं कि कोई मॉलिक्यूल होगा तभी वो एक्टिव होंगे, हमेशा यही होता है कि हमारी बॉडी में हमारी पूरी सेलुलर लेवल पे कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं चाहे एगोनिस्ट हो या ना हो। ये इनवर्स एगोनिस्ट ने क्या किया, वो जो एक्टिव रिसेप्टर थे ना, ये जो एक्टिव रिसेप्टर थे उन्हें भी क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक यही तो होता एगोनिस्ट जो सिंपल एगोनिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, इससे बाइंड हो रहे थे, तो हो क्या रहा था जो एक्टिव स्टेट में रिसेप्टर थे अनऑक्यूपाइड थे उनका लेवल कम हो गया था, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो इनएक्टिव थे वो किस में बदल रहे थे, एक्टिव में बदल रहे थे। तो क्या अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि एक्टिव स्टेट में ही रिसेप्टर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। बट इनवर्स ने क्या किया, देखो इनवर्स ने जो आपके एक्टिव थे जो रिसेप्टर आपके ऑलरेडी एक्टिव थे बिना किसी एगोनिस्ट की बाइंडिंग के, उन रिसेप्टर्स को भी क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। जैसे जैसे बाइंड होते गया रिसेप्टर्स इनएक्टिव होते गए, तो इस तरीके से इन्हें क्या बोलोगे आप, इनवर्स एगोनिस्ट बोलोगे। सबके एग्जांपल्स आप दे सकते हो, एगोनिस्ट के केस में अगर मैं बात करूं एसिटाइल कोलीन, एड्रेनलीन, आपका साल्ब्यूटामोल जो कि बीटा वन रिसेप्टर पे काम करते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ये सारे क्या हैं, एगोनिस्ट हैं। बेंजोडाइजेपीन, ठीक है, जो आपका हिप्नोटिक सेडेटिव कैटेगरी में यूज होता है। अब एंटागोनिस्ट की बात करो, एसिटाइल कोलीन का एंटागोनिस्ट क्या था, अभी पढ़ा आपने, एट्रोपीन है। ठीक है, एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन का एंटागोनिस्ट क्या है आपका, प्राजोशीन है आपका। ठीक है, योहिम्बीन है, अलग अलग रिसेप्टर्स के अलग अलग एंटागोनिस्ट हैं, वो भी हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर मैं पार्शियल एगोनिस्ट की बात करती हूँ तो ओपोइड एनाल्जेसिक का बहुत क्लासिक एग्जांपल है ट्रामाडोल। ठीक है, ट्रामाडोल आपकी एनाल्जेसिक ड्रग है बट वो कंप्लीट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती है, केवल 75% इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि पार्शियल एगोनिस्ट अभी मैंने आपको बताया कि पार्शियल रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। वहीं दूसरी ओर लास्ट आपका जो इनवर्स एगोनिस्ट है उसका एग्जांपल क्या है आपका, डीएमसीएम। ठीक है, ये आपका बहुत टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। डीएमसीएम ये एक कार्बोलीन डेरिवेटिव है। ठीक है, ये बेंजोडाइजेपीन रिसेप्टर पे काम करता है और बेंजोडाइजेपीन के जितने भी रिसेप्टर है उन्हें क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। सेम कार्बिडियोल, कार्बिडियोल आपकी कौन सी ड्रग है, बीटा ब्लॉकर ड्रग है, एड्रेनर्जिक जो सिस्टम होता है उसको ब्लॉक करती है ये, और ये कार्बिडियोल क्या करती है आपकी, बेसिकली ये भी इनवर्स एगोनिस्ट की तरह ही काम करती है। ठीक है, एगोनिस्ट है, कहने के लिए एगोनिस्ट है लेकिन इनवर्स है, यानी कि जो एक्टिवेटेड
रिसेप्ट आ रहे हैं उन्हें भी किसमें बदल देगी, ये इनएक्टिव में बदल देगी। तो ये था आपका क्या, टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल, कि कैसे आपका मॉडल वर्क करता है, दो स्टेट में कैसे रिसेप्टर रहते हैं और अलग अलग तरीके से कैसे बाइंडिंग होती है। इसे मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, क्विकली इस चीज को हम करेंगे। अगर ये आपका क्या है, एक ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, ये साइड आपके रेस्पॉन्स को शो कर रही है, ये जो है आपका ये रेस्पॉन्स को डिनोट कर रही है, ठीक है, और ये आपका है ड्रग कंसेंट्रेशन को, ठीक है, बॉटम में आपकी ड्रग कंसेंट्रेशन है, ठीक, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो रेस्पॉन्स देखो सिंपल, यहां पे आप रखोगे जीरो बेसल लाइन, ठीक है, ऊपर जो आएगा आपका देखो 25% रिस्पॉन्स, 50% रिस्पॉन्स, ये ड्रग के रेस्पॉन्स है, ठीक है, परसेंटेज में मैंने लिखा है 75 और लास्ट किया है 100% रिस्पॉन्स, क्योंकि 100 से ऊपर तो कुछ होता नहीं है ना। जीरो से नीचे भी देखो आप, माइनस में भी रेस्पॉन्स होता है आपका, ये एक्टिव इनएक्टिव को ही बता रहा है एग्जैक्टली। मान लो ये -25 है, ये -50 है, ठीक है, ड्रग की कंसेंट्रेशन हम इस लाइन पे लिख देते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में लिख लो 10^-10, ये हुई 10^-9, 10^-1, बहुत माइन्यूट कंसेंट्रेशन ली हुई है इसीलिए माइनस में इसकी वैल्यू ली है, 10^-6, सो ऑन, ठीक है, ये ड्रग की कंसेंट्रेशन है। आप देखो ये आपका क्या है, आपको रेस्पॉन्स दिखाई दे रहे हैं, तो होगा क्या, देखो मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कुछ एक्टिव रहते हैं कुछ इनएक्टिव रहते हैं, इक्विलिब्रियम होता है, ये वो इक्विलिब्रियम है, सेंटर में जो आपको दिख रहा है ये वो इक्विलिब्रियम का लेवल है, मतलब आपके यहाँ पे आपके क्या है रिसेप्टर जो कि ऑलरेडी एक्टिव है, ठीक है, ये वाली लाइन जो यहां से यहां तक पहुंचा है ना, ये रेस्पॉन्स यहां से यहां तक, ये उन रिसेप्टर्स की वजह से है जो ऑलरेडी एक्टिव है, और इसके बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, एगोनिस्ट की वजह से आ रहा है। मैंने बताया ना कुछ रिसेप्टर एक्टिव है, उन्हें एक्टिव कराने के लिए किसी एगोनिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इन ये जो इफेक्ट है यहां से लेके यहां तक का जो इफेक्ट आ रहा है, जो ये बड़ा है, वो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर विदाउट एनी एगोनिस्ट, किसी एगोनिस्ट की प्रेजेंस नहीं चाहिए और लेकिन फिर भी आपका क्या है रेस्पॉन्स ऊपर तक आया है। तो यहां तक जो रेस्पॉन्स है इसको यहां से यहां तक पहुंचाया किसने है, रिसेप्टर्स की कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी ने, यानी कि उन रिसेप्टर्स ने जो बिना किसी एगोनिस्ट के भी एक्टिव रहा करते हैं। अब देखिए मैंने दूसरा आपने देखा था ड्रग रिसेप्टर मॉडल में कि जैसे ही आपका एगोनिस्ट बाइंड हुआ एक्टिव साइट से तो जो आपकी इनएक्टिव स्टेट थी वो भी एक्टिव हो गई, तो वो कब हुई, जब एगोनिस्ट बाइंड हुआ। तो ये जो आपका आ रहा है जीरो से लेके ऊपर तक 100% तक का जो रेस्पॉन्स है ये किस वजह से है, ये किस वजह से है, एगोनिस्ट की वजह से है। तो आप क्या बोलेंगे, ड्यू टू एगोनिस्ट बाइंडिंग, ठीक है, अगर एगोनिस्ट ना हो तो शायद रिस्पॉन्स यहां से ऊपर पहुंचे ही नहीं। तो यहां से यहां तक कौन लेके आया था, रिसेप्टर की कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, क्योंकि कुछ रिसेप्टर हमेशा एक्टिवेटेड रहते हैं, लेकिन एगोनिस्ट देने के बाद जो रेस्पॉन्स 100 तक पहुंचा वो किसकी वजह से आया, आपका एगोनिस्ट की वजह से आया, क्लियर हो गया। अब देखिए जो एगोनिस्ट है आपके, तो यहां तक तो आपकी बेसलाइन रहेगी। आप देखो एगोनिस्ट क्या करते हैं, आप एगोनिस्ट की जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये कंसंट्रेशन को बता रहा है, जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेस्पॉन्स कितना आएगा आपका 100%, ठीक है, एगोनिस्ट हमेशा 100% रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये था आपका एगोनिस्ट, जो आपकी एगोनिस्ट ड्रग होंगी यानी कि जो बायोमोलिक्यूल की तरह या आपके एंडोजेनस मॉलिक्यूल की तरह ही काम करेंगे, वो कौन सा रिस्पॉन्स देंगे, 100% रिस्पॉन्स देंगे। अब बात करते हैं एंटागोनिस्ट की, आपने क्या देखा था, एंटागोनिस्ट जब भी रिसेप्टर से बाइंड हो रहे थे तो क्या कर रहे थे, इनएक्टिव स्टेट पे बाइंड हो रहे थे, और जो एक्टिव थे उन्हें भी इनएक्टिव कर दिया था, तो रेस्पॉन्स क्या आएगा, बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा। तो ये जो लाइन है आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना ग्रीन कलर की, ये किसको बता रही है, एंटागोनिस्ट को, क्योंकि एंटागोनिस्ट कैसे होते हैं, एंटागोनिस्ट ऐसे होते हैं कि ये रिसेप्टर की इनएक्टिव साइट से बाइंड होते हैं और जो एक्टिव है उन्हें भी क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, तो रेस्पॉन्स तो आना ही नहीं है, तो जीरो पे ही लाइन जाएगी आपकी, क्लियर है, ठीक हो गया। अब पार्शियल क्या है आपके, पार्शियल कौन से होते हैं आपके, ये वो आपकी ड्रग्स होती हैं जो आपके
कितना परसेंट रिस्पॉन्स देते हैं? केवल 75% रिस्पॉन्स देते हैं. क्यों? क्योंकि ये 75% तो एक्टिव से बाइंड होते हैं, 25% इनएक्टिव से बाइंड होते हैं. तो जब दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की बात आती है तो कहीं वो बैलेंस आपका 75% पे ही रुकता है. तो यहाँ पे मैं इसे मेंशन कर देती हूँ, ये जो रिस्पॉन्स आया ये किस वजह से आया? पार्शियल एगोनिस्ट की वजह से आया. ठीक है, अब लास्ट आ जाइए इनवर्स एगोनिस्ट. इनवर्स के केस में मैंने आपको क्या बताया था? इनवर्स एगोनिस्ट वो मेडिसिन है जो रिसेप्टर से बाइंड हो रही थी और उसके बाद क्या कर रही थी, जो एक्टिव रिसेप्टर थे उन्हें भी क्या कर दे रही थी, इनएक्टिव कर दे रही थी. अब यही हो रहा था, उल्टा रिस्पॉन्स आ रहा था ना, एक्टिव स्टेट से बाइंड हो रही थी. एगोनिस्ट की खासियत ही ये होती है किससे बाइंड हो रहे हैं, एक्टिव स्टेट से ये भी बाइंड होता है इनवर्स एगोनिस्ट, लेकिन ये क्या करता है, बाइंड होने के साथ ही जो एक्टिव स्टेट में जितने भी रिसेप्टर थे उन्हें किस में कर दिया, इसने इनएक्टिव में कर दिया. तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी रहेगी? ये कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी किसकी वजह से थी? जो एक्टिवेटेड फॉर्म थी रिसेप्टर की. अब ये इनवर्स एगोनिस्ट ने क्या किया, वो जो एक्टिवेटेड थे रिसेप्टर बिना किसी एगोनिस्ट की मदद के, जो आपकी बॉडी में आपके सेल में जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इनवर्स एगोनिस्ट ने क्या किया, उन्हें भी क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया. तो देखो रेस्पॉन्स कैसा आएगा, सीधे नीचे आके गिरा. तो ये क्या है आपका, इनवर्स एगोनिस्ट. देख रहे हो, एंटागोनिस्ट से भी आपके ज्यादा आपके रेस्पॉन्स दे रहे हैं. क्या कर रहे हैं, एंटागोनिस्ट ने तो कुछ नहीं किया, रेस्पॉन्स को बढ़ने नहीं दिया, लेकिन जितना था उतना तो रहने दिया था. जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी थी रिसेप्टर की वो तो सेफ थी, लेकिन इनवर्स ने क्या किया, ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी थी रिसेप्टर की, वो रिसेप्टर जो कि सेफ रहते थे या जो हमेशा एक्टिव रहते थे बिना किसी एगोनिस्ट के भी, उन रिसेप्टर्स की जो ये कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी थी, देखो उसे भी कहाँ ला दिया आपका, बिल्कुल बॉटम में ला के रख दिया, सबसे नीचे पहुंचा दिया. तो ये है आपके इनवर्स एगोनिस्ट. तो ये डिफरेंट क्लास हमने देखी कि ड्रग्स किस किस टाइप की होती हैं, मॉडल्स हमने देखे, कौन कौन से मॉडल्स हमने पढ़े वो सारे हम देख चुके हैं. ऑक्यूपेंसी थ्योरी हमने देखी, स्टार्टिंग में मैंने लॉक एंड की मॉडल एंड यूज फिट मॉडल आपको बताया था. नेक्स्ट आपकी रेट थ्योरी थी, वो हमने डिस्कस की. टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो आपका रहेगा, जिसमें हम रिसेप्टर्स के डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल जो है रिसेप्टर एक्शन का वो हम डिस्कस करेंगे. तब तक आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू.